बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। So, hey guys, welcome back to our digital toxic होगे। मेरे सो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, इस वीडियो में अपन बताने वाले कैसे वन टेप मारते हैं शॉट गन से। ओनली शॉट गन की बात करेंगे और भी गन्स की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात ये, आप देख लो कि आप शॉट गन प्लेयर हो या SMG प्लेयर हो। अगर शॉट गन प्लेयर हो तो आप कंटिन्यू वीडियो को जरूर से देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। अगर करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो यार, एक भी पार्ट स्किप नहीं करोगे तो मैं चैलेंज गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आप 100% वन टेप मार पाओगे। तो गाइस, वन टेप मारने के लिए मैं ना आपको बोल रहा हूँ कि 8 GB रैम वाला फोन की जरूरत है, ना ही बोल रहा हूँ अच्छा प्रोसेसर की जरूरत है। अगर आपके पास कोई सा भी फोन हो और फ्री फायर उसमें चलता है तो इतना काफी है। और मैं हर मतलब मान लो 4 GB रैम वाला फोन है आपका, 2 GB वाला है, 3 GB वाला है, तो सब फोन के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से सेटिंग रखोगे, क्या सेंसिटिविटी रखोगे, जिससे आपका अच्छा खासा हेडसेट लगेगा। तो सभी फोन के लिए मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके बताऊंगा, और इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपका रैम कितना है। अपने फोन में रैम आप चेक कर लेना, रैम कोई भी हो, लेकिन ये चीज आपको हर फोन में यूज करना। अभी मैं सेटिंग की बात नहीं कर रहा, सेटिंग और सेंसिटिविटी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ आपको एम कहाँ पे रखना है और किस तरीके से ड्रैग करना है तब आपका हेडशॉट लगेगा, वो मैं बताने वाला हूँ। सेटिंग और सेंसिटिविटी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले ये जान लो कि कहाँ पे आपको एम रखने से हेडशॉट परफेक्ट वाला लगता है, ठीक है। बहुत सारे बंदे सीधा ड्रैग मारने का, हेडशॉट मारने का तो जो तरीका है उसको यूज करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बताने वाला हूं। कुछ बंदे जानते होंगे, मैं रोटेशन ड्रैग के बारे में बताने वाला हूं। तो यार, अगर आप रोटेशन ड्रैग के बारे में जानते हो फिर भी थोड़ा सा देख लो, कुछ नया जरूर से आपको सीखने को मिलेगा। चलो अभी बता देते हैं एम कहां पे रखना है। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के जो बोट होता है, खड़ा एक बोर्ड होता है, उसके पास आपको लेके चलता हूँ और कहाँ पे एम कैसे सेट करने और ड्रैग कैसे करने, अगर रोटेशन वाला यूज करते हो तो रोटेशन में कैसे यूज करना, वो सब चीजें आपको बताने वालों। तो चलिए आपको वहाँ पे ट्रेनिंग ले जाकर दिखाते। तो गाइस, यहाँ पे आ गए, और अब देखो जब भी मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ तब हेडशॉट लग रहा हूँ, वो भी ओनली रेड नंबर, कभी कभी एक दो व्हाइट आ जा रहा है, लेकिन रेड नंबर कन्फर्म लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, कहाँ पे मैं एम रख रहा हूँ, ध्यान से आप देखो। मैं आपको स्क्रीनशॉट की यहाँ से मदद से दिखा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एम रख रहा हूँ तब मेरा हेडशॉट लगातार लगे जा रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो, आपका कोई भी फोन हो कितना जीबी रैम का, लेकिन आपको यहाँ पे एम रखना है, ठीक है। मैं दिखा दिया आपको, यहाँ पे एम रखना है, आपका कितना भी जीबी रैम वाला फोन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका लोकेशन यहीं पे होना चाहिए एम का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जैसे आप यहाँ पे रखते हो और यहाँ आपको रोटेशन ड्रैग मारना है, रोटेशन ड्रैग मारते हो तो 100 में 100% आपका चांस बनता है हेडशॉट लगेगा, वो भी रेड नंबर वाला। अगर आप पहली बार करो तो हो सके एक दो मिस हो जाए, क्योंकि यार पहली बार में उतना अच्छा खासा रोटेशन ड्रैग अपन नहीं मार सकते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक उधर से होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस कहाँ पे करना है तो यहीं पे आके करना है आपको, ठीक है। अभी थोड़े देर ये कर लेने के बाद देखो, रोज आपको एक घंटा तो नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 मिनट ये वाला करना है डेली, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे चले जाना है और ट्रेनिंग ग्राउंड पे ट्राई करना है इसी तरीके का एनिमी को मारने का, जिस तरीके से आप यहाँ पे ड्रैग कर रहे थे हेडशॉट रोटेशन ड्रैग वाला, ठीक है। और पोजीशन आप ट्राई करना वहां पे भी ट्रेनिंग ग्राउंड में भी, कि जो भी बंदा उसके राइट साइड ऊपर के साइड या फिर थोड़ा सा नीचे के साइड आपका एम रहे, और ट्राई करो हेडशॉट मारने का, आपका जल्दी जल्दी इंप्रूव होगा। और डेली आपको 1 घंटे ट्रेनिंग खेलने, ठीक है, 10 मिनट करने के बाद, ये 10 मिनट करने के बाद डेली 1 घंटे ट्रेनिंग खेलो। अभी बात कर लेते हैं जो स्ट्रेट ड्रैग होता है, मतलब सीधा आप ड्रैग करते हो तब हेडशॉट लगता है। देखो, उसमें अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, कुछ बंदे से ऐसा हो रहा है कि हाँ रेड नंबर लग जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके जो भी हेडशॉट लग रहा है उनमें कुछ रेड दिख रहे, कुछ व्हाइट दिख रहे। देखो, स्ट्रेट ड्रैग में यही होता है, अगर आप सही से नहीं करते हो स्ट्रेट ड्रैग, बहुत मुश्किल है मेरे भाई रोटेशन ड्रैग के मामले से देखे जाए तो, ठीक है। क्योंकि रोटेशन ड्रैग बहुत ईजी होता है, आप रोटेशन ड्रैग ही यूज करो, स्ट्रेट ड्रैग थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है करने के लिए, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें पोजीशन बनाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको एनिमी के जस्ट पैर के हल्का सा नीचे रखना पड़ता है, फिर आपको सीधा ड्रैग करना पड़ता है। तो ये करना
करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप मूवमेंट में उस टाइम रहोगे, और अगर आप रुक के फायर कर दो तब तक आपको एनिमी मार देता है। तो आप मूवमेंट में मारना चाहते हो हेडशॉट, तो आपको रोटेशन ड्रैग यूज करना चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर लेते सीधा ड्रैग करके हेडशॉट कैसे मारते। तो देखो, इसके लिए मैं आपको पोजीशन बता दे रहा हूं, मतलब एम कहां पे आपको रखना है। उससे पहले एक और चीज था यार, अगर आप सीधा ड्रैग मार के हेडशॉट मारना चाहते हो तो उसमें बहुत मुश्किल कब होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपका बहुत ज्यादा कम जीबी रैम वाला फोन है, मान लो 2 GB रैम वाला फोन है, 3 GB रैम वाला फोन है, तो उसमें क्या होगा कि सेंसिटिविटी बहुत लो रहता है। और अगर देखो आप सीधा ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपका डिवाइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि यार डिवाइस बहुत बढ़िया होना चाहिए सीधा ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए। देखो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा फोन में ऐसा होता है कि अगर 4 GB से ऊपर है तो उसका सेंसिटिविटी सही रहता है, लेकिन 4 GB से नीचे वाले फोन में सेंसिटिविटी उतना बढ़िया नहीं रहता। उसकी वजह से अगर आप सीधा ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करोगे तो उस ड्रैग में आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होता है, तब आपका एम जाके हेड पे लॉक होगा। नहीं तो यार लॉक नहीं होगा, आपका बॉडी चेस्ट तक जाते जाते, मतलब एम चेस्ट पे रुक जाएगा और आपका बॉडी शॉट लगेगा, ना ही हेड शॉट लगेगा ना कि, ठीक है। तो यार यही होता है, अगर आपका फोन बहुत अच्छा है, 4 से ऊपर GB रैम वाला फोन है, तो आप स्ट्रेट ड्रैग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका नीचे वाला है, मान लो 4 GB से नीचे है, तो आपको स्ट्रेट ड्रैग यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, ठीक है। तो चलो अब हम बता देते हैं कि एम आपको कहाँ रखना है, अगर आपका अच्छा फोन है तो एम आपको कहाँ रखना है। लो एंड डिवाइस के लिए मैंने बता दिया ड्रैग हेडशॉट यूज करो, और दोनों यूज करना है तो आपको डिवाइस अच्छा होना चाहिए। चलो अभी पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको नीचे रखना होता है। देखो पैर के जैसे नीचे रख के आपको सीधा ड्रैग करना है, तो सीधा हेड पे जाके एम लॉक हो जाएगा अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो, और अच्छा डिवाइस नहीं रहेगा तो चेस्ट पे जाके रुक जाएगा। और आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना, पैर के नीचे होना चाहिए एम, तभी आपका हेडशॉट लगेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया कि आपको स्ट्रेट ड्रैग कब यूज करना चाहिए और ड्रैग रोटेशन कब यूज करना चाहिए, दोनों में फर्क में मैंने बता दिया। अभी बात कर लेते हैं सेटिंग की ओर चलते, कि सेंसिटिविटी कितना रखना है और फायर बटन कितना रखना है, क्या कुछ कितना रखना है, तब अच्छा हेडशॉट लगता है। देखो यार, सेंसिटिविटी की बात करें तो आपको सब 100 रखना है, चाहे वो जनरल हो, चाहे रेड डॉट हो, चाहे ट्रू स्कोप हो, या फिर कोई भी हो, सबको आपको 100 कर देना है, सिंपल है। ये चीज हो गया। उसके बाद कंट्रोल्स में आपको HUD दिखाता हूं। HUD में देखो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपका फोन का रैम कितना है। फोन का रैम पे डिपेंड करता है आपको फायर बटन कितना रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आपका फोन का रैम 2 से 3 GB का है तो आपको यहां पे 35 से लेके आप 45 तक आप रख सकते हो। 45 तक काफी रहेगा, 43-44 तक जा सकते हो आप, इतना फायर बटन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 4 GB रैम वाले फोन के लिए, ठीक है। 4 GB रैम वाले फोन के लिए देखो, 40 से लेके 50 के बीच में आप कितना भी रख सकते हो, 40 से लेके 50 के बीच में आपको फायर बटन रखना है 4 GB रैम वाले फोन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 4 GB से ऊपर, मतलब 8 GB 12 GB ऐसे वाले फोन के लिए कितना फायर बटन रखना चाहिए। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, 45 से लेके आप 50, 60, 62, 63 इतना कितना भी रख सकते हो, ठीक है। 45 से लेके आप कितना भी रख सकते हो, उससे कम रखोगे तो और ज्यादा सेंसिटिविटी दिखेगी आपको। तो यार ये चीज ध्यान में रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था वीडियो में। अगर आप ट्राई करो, अगर हेडशॉट नहीं लगता तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर यार, क्योंकि यार मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका हेडशॉट जरूर से लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।